how to fix gaming and heating problem in any Samsung M series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकी राज यूट्यूब चैनल पर। तो अगर दोस्तों गेमिंग करते वक्त आपके जो डिवाइस है ओवर हीटेड हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए गेमिंग करते वक्त, ठीक है, जिसके थ्रू आप हीटिंग प्रॉब्लम से बच सकें। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली गेमिंग कर रहे फ़ोन थोड़ा बहुत हीटिंग होगा, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस में होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ओवर हीटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वो दोस्तों प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल है और ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल ही है। अगर आप गेमिंग करते हैं थोड़े लंबे समय के लिए तो दोस्तों आपके मोबाइल बैटरी यूज़ हो रहे हैं, आपके फ़ोन रैम यूज़ हो रहे हैं, आपके पूरा मोबाइल यूज़ हो रहा है, उसके वजह से दोस्तों थोड़ा बहुत हीटिंग तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि आपके ब्राइटनेस भी आपका ऑन रहेगा तो उसके वजह से थोड़ा बहुत हीटिंग होते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस है कि गेमिंग करते वक्त वो ओवर ही हीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स जो है आपको फिक्स करना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है वो सभी मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपको वो सारे चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है, और कुछ चीज़ों को यहाँ पर ध्यान भी देना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि मोबाइल स्पेस को क्लीन अप कीजिए, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो होते हैं जो आप अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं अननोन सोर्स की मदद से, तो उनको आप डिलीट करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन से तो आप एप्लीकेशंस को जो है क्लीन अप कीजिए, वन बाय वन करके डिलीट कीजिए। लगभग दोस्तों आपके स्पेस जो है क्लीन होना चाहिए 50% या फिर 40%, ठीक है, एक गेमिंग करने के लिए। अगर आप हाई गेमिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली। और दोस्तों गेमिंग करते वक्त हमेशा चेक करें आपका हॉटस्पॉट ऑन ना रहे, आपका वाईफाई ऑन ना रहे, और ब्लूटूथ के साथ आपका यहाँ पर लोकेशन ऑन ना रहे, ठीक है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल हॉटस्पॉट और लोकेशन, इससे दोस्तों कई ज़्यादा आपके फ़ोन पे ओवरहीटिंग का इश्यू आते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा कनेक्शंस होते हैं उसके वजह से, और हमें डेटा कनेक्शन तो चाहिए होता है, इसलिए इसको ऑफ नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाके देख सकते हैं, बैटरी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे में आपको मिलेगा बैकग्राउंड यूजेस लिमिट, आपको क्या करना है डीप स्लीपिंग पर क्लिक करना है और प्लस में क्लिक करके आपके एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपके एप्लीकेशंस कौन सा ज़्यादा एप्लीकेशन जो है दोस्तों बैकग्राउंड पे चल रहा है तो उनको दोस्तों आप यहाँ पे सारे के सारे टिक करके आपको क्या कर देना है, आपको ऐड पर क्लिक करके उसको डीप स्लीपिंग मोड पर ऐड कर देना है। तो ये होता क्या है डीप स्लीपिंग करने से, तो डीप स्लीपिंग ऐप will never run in the background, तो background पे दोस्तों वो ऐप रन नहीं करेगा, तो आपका background पे, ठीक है, कोई ऐप्स नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको इनेबल करें, सारे साथ पावर सेविंग मोड को दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ ना करें अगर आप गेमिंग करते हैं। सारे साथ में दोस्तों आप अगर गेमिंग कर रहे तो आपके फ़ोन जो है वो चार्ज में प्लग्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर चार्ज में प्लग्ड है तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर चार्जिंग करते वक्त अगर आप गेमिंग करते हैं तो उसमें दोस्तों ओवरहीटिंग डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोस्तों आप एक तरफ से फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं और एक तरफ से आप बैटरी को यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों साइड से दोस्तों क्रैश होने के वजह से हीटिंग इशू आ जाएगा आपकी डिवाइस में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट है या नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए आपका। तो सॉफ्टवेयर अपडेट रहने से दोस्तों आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, तो ध्यान रखें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा अपडेट वर्जन का रहे, और आप जो भी गेम करते हैं वो दोस्तों आप अपडेट करके ही यूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जब गेमिंग करने जाते रिसेंट बटन पर क्लिक करें, सारे
ऐप को जो है यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद ही आप शुरू कीजिए, ठीक है, और एक बार हो सके तो रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप शुरू करें। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों ओवर हीटिंग होते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समय दे दे के प्ले करना होगा, ठीक है। मान लीजिए हाफ़ एन आवर आप गेम प्ले करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद दोबारा से हाफ़ एन आवर, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद हाफ़ एन आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे दे के आप कर सकते हैं, ठीक है। और सारे साथ में दोस्तों जब आप नाइट टाइम पे जाते हैं तो आप अपने मोबाइल को बेड टाइम मोड पे लगा दीजिएगा, ठीक है। बेड टाइम मोड दोस्तों आप सेट कर दीजिए अपने मोबाइल पे, ताकि दोस्तों आपके जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाए रात में, या फिर आप स्विच ऑफ करके सो जाए तो भी अच्छा है, या फिर आप बेड मोड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डिजिटल वेलबींग के अंदर पे। तो ये आप देख सकते हैं बेड टाइम मोड, ठीक है, या फिर आप स्विच ऑफ कर दीजिए रात में, तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, सारे साथ में आपके जो हीटिंग का इशू है वो भी कम हो जाएगा लगभग। तो ये सारे सॉल्यूशन से दोस्तों ये सारे टिप्स है यहाँ पे, जिसके मदद से आप ओवरहीटिंग इशू को फिक्स्ड कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।